आफ्टर दैट कुछ पकड़ कर सीखते हैं कि अच्छा ये सॉफ्ट है ये हार्ड है. तो सेंसेस उनके टीचर्स होते हैं स्टार्टिंग में. अर्ली चाइल्डहुड की अगर हम बात करें तो 2 से 6 ईयर का एक पीरियड होता है जिसमें बच्चे स्कूल एज भी हम कहते हैं उसको, प्री स्कूल एज, जिसमें बच्चे स्कूल जाते हैं प्री नर्सरी में और वहाँ पर ये यू नो फ्रेंड्स बनाना सीखते हैं और मोटर स्किल्स सीखते हैं. लेटर चाइल्डहुड की बात करें तो 7 to 11 ईयर एज का होता है. इसमें इसको हम गैंग एज भी कहते हैं, क्योंकि गैंग एज इसीलिए क्योंकि इसमें बच्चे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा बनाते हैं और फ्रेंड के साथ रहना पसंद भी करते हैं और कहीं ना कहीं फैमिली से सेपरेट होने लग जाते हैं. एडोलसेंस एक ऐसा एज है जहाँ पर आप अपनी आइडेंटिटी डिफाइन कर पाते हैं, समझ पाते हैं कि आप क्या हैं, आपका क्या रोल है सोसाइटी के अंदर. नाउ वी कम टू द इन्फेंसी. इन्फेंसी जो है वो बर्थ से 2 ईयर की अवस्था तक का होता है. डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्टार्ट इसमें बच्चा कुछ बोलना स्टार्ट कर देता है, जैसे 2-3 वर्ड्स बोलना स्टार्ट कर देता है, कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने स्टार्ट कर देते हैं. मेक अटैचमेंट विद प्राइमरी कैरियर. इसमें प्राइमरी इनका जो होता है वो होते हैं पेरेंट्स. पेरेंट्स के साथ ज़्यादा अटैचमेंट होता है. बेबीज नॉट अंडरस्टैंड ऑफ राइट और रॉन्ग. पता नहीं होता है बच्चे को कि क्या सही है क्या गलत है, बट वो सीखना चाहते हैं. और ट्रायल एंड एरर का मतलब है कि वो गलती कर कर सीखते हैं और फिर निरंतर करते रहते हैं. अंडरस्टैंड सिंपल कमांड्स. सिंपल कमांड्स अंडरस्टैंड कर पाते हैं, जैसे मम्मा कह रही है इधर आओ, गो देयर, कम हेयर, इन सब कमांड्स को वो एनालाइज कर पाते हैं. क्रॉल एंड वॉक. धीरे धीरे क्रॉल करने की कोशिश करते हैं, चलने की कोशिश करते हैं. साइंस ऑफ टेम्पर एंड फ्रस्ट्रेशन. कई बार बच्चे अपना फ्रस्ट्रेशन दिखाते हैं, टेम्पर दिखाते हैं, गुस्सा दिखाते हैं और किसी भी तकलीफ को वो शो कर पाते हैं. अर्ली चाइल्डहुड की अवस्था जो होती है वो 2 से 6 वर्ष की अवस्था होती है. इसमें बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम प्लेइंग में स्पेंड करता है अपने टॉयज़ के साथ. लर्निंग टू एक्सप्लोर देयर एनवायरनमेंट. वो कोशिश करता है कि वो एनवायरनमेंट को समझ पाए और उसे एक्सप्लोर कर पाए. ये चाइल्ड जो होते हैं वो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं. इसमें ईगो सेंट्रिक होते हैं, मैं वाली भावना ज़्यादा होती है कि ये जो है मेरा ही है और किसी का नहीं है. अगर मम्मी मेरी है पापा मेरे हैं तो और कोई भी किसी का नहीं है, वो मेरे ही हैं. इट इज़ सेंसिटिव पीरियड. बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पीरियड होता है और उसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस किया जाता है. फ्रेंड्स स्टार्ट बिकम अ पार्ट ऑफ चाइल्ड लाइफ. चाइल्ड लाइफ का एक पार्ट बनना स्टार्ट कर जाते हैं फ्रेंड्स और धीरे धीरे वो पेरेंट्स से कहीं ना कहीं सेपरेट होते चले जाते. 7 to 11 ईयर्स की जो अवस्था है उसे हम बोलते हैं लेटर चाइल्डहुड. इसमें ये एलिमेंट्री स्कूल यानी कि 1 to 5 क्लास में स्कूल में जाना स्टार्ट हो जाता है. ऑल्सो नोन एज ट्रबलसम एज. जिसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती है जिनमें बच्चों में फेस करना पड़ता है. चिल्ड्रंस डिवोट मोर टाइम विद देयर पीयर ग्रुप्स. पीयर ग्रुप मीन्स वो अपने जो फ्रेंड सर्कल है उनको ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं उनके साथ. लेस ईगो सेंट्रिक. यहाँ पर कहीं ना कहीं ईगो थोड़ा कम हो जाता है. मोर रैशनल एंड लॉजिकल थॉट प्रोसेस. कहीं ना कहीं लॉजिकल एंड थॉट प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. जैसे प्लस माइनस करते हैं, उसको रिवर्सिबल भी कर पाते हैं. तो ये वाले रैशनल थॉट लॉजिकल चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं. डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन क्रिएटिव पोटेंशियल बिगन्स. इनका जो पोटेंशियल है क्रिएटिव चीज़ों का, जैसे ड्राइंग करना, सिंगिंग, डांसिंग, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं. कैन सॉल्व प्रॉब्लम यूजिंग प्रैक्टिकल सपोर्ट. कुछ प्रैक्टिकल सपोर्ट, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स ने अगर आपको कुछ बता दिया उसके बाद आप उस वर्क को कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं प्रैक्टिकली. एडोलसेंस एक ऐसी एज है जो कि 13 से 19 तक का होता है. इसमें बहुत ही क्रिटिकल एज माना जाता है एक पर्सन के लाइफ का, जिसमें आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. कोऑपरेटिव आपका नेचर हो जाता है. आप कोशिश करते हैं कि हम सबकी हेल्प करें, घर में मदर फादर और सबकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, तो कोऑपरेटिव नेचर हो जाता है. डेवलपिंग देयर ओन आइडेंटिटी. अपना आइडेंटिटी डेवलप कर पाते हैं कि उनका क्या रोल है सोसाइटी में, क्या क्या वो रोल प्ले कर सकते हैं बीइंग अ चाइल्ड और बीइंग अ डॉटर और अ सन. देयर आर मेनी चेंजेस लाइक सोशल, बायोलॉजिकल एंड पर्सनल चेंजेस.
ट्रांजिशनल एज होता है क्योंकि आप चाइल्ड से एडल्ट की तरफ बढ़ते हैं, इसीलिए इसको हम ट्रांजिशनल ट्रांजिट एज भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के। तो चाइल्ड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डेवलपमेंट हमेशा टॉप से बॉटम की तरफ होता है। सेफलोक्यूडल प्रिंसिपल भी हम इसे कहते हैं क्योंकि इस प्रिंसिपल में जो बच्चा है उसका हेड से टो की तरफ डेवलपमेंट होता है। सर सर पहले डेवलप करेगा, उसके बाद टो डेवलप करेगा, फिर हैंड्स डेवलप करेंगे। एंड अगर दूसरे डेवलपमेंट की बात करें तो हम ये दूसरा होता है सेंटर से आउटवर्ड की तरफ, इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सीमोडिस्टल प्रिंसिपल। इसमें आपका जो बॉडी है वो सेंटर से लेकर आउटवर्ड की तरफ होता है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड इसमें आपका इंक्रीज करता है फर्स्ट, उसके बाद आउटवर्ड की तरफ। डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन मैच्योरेशन एंड लर्निंग। डेवलपमेंट हमेशा मैच्योरिटी और लर्निंग से आती है। तो जैसे आपकी मैच्योरिटी इंक्रीज करेगी वैसे वैसे आपके अंदर लर्निंग भी आती चली आती है, आपने आपको सोचने की क्षमता इंक्रीज होती चली जाती है। और ये सब आता है एक्सपीरियंस की वजह से, चाइल्ड एक्सपीरियंस की। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ये होता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है? कंटिन्यूस प्रोसेस है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी भी रुकती नहीं है। और इसमें आप एक्विजिशन ऑफ न्यू मेंटल मोटर एंड बिहेवियर स्किल को चेंज कर पाते हैं। एनवायरनमेंट की बात करें हम तो एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ आवर सराउंडिंग एक्सेप्ट वन जीन्स। जीन्स इसमें इंक्लूड नहीं होता है, बाकी सारी चीज़ें सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं वो इंक्लूड होती हैं। दे आर फैक्टर इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। इसमें बहुत सारे फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं एक इंडिविजुअल को डेवलपमेंट के। एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ फोर्सेस लाइक फिजिकल, सोशल, मॉरल, कल्चरल एंड इमोशनल। एज वी ऑलरेडी डिस्कस कि बच्चा फिजिकली एनवायरनमेंट से, जैसे हो सकता है कि बच्चा बीमार पड़ जाए या बच्चे को एनवायरनमेंट से कुछ चेंजेस होने स्टार्ट हो जाए फिजिकली। सोशली एनवायरनमेंट में सोशली हम सीखते हैं लाइक पेरेंट्स से, टीचर्स से, स्कूल में और एनी इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन। मॉरल लाइक पेरेंट्स हमें सिखाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, इसकी कहीं ना कहीं हमें नॉलेज हो जाती है बाय एनवायरनमेंट। कल्चरल एंड इमोशनल ये भी एनवायरमेंटल होता है। टीचर्स शुड ट्राई टू प्रोवाइड बेस्ट एनवायरनमेंट सो दैट अ चाइल्ड कैन फ्लोरिश। टीचर को खुद भी एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना चाहिए बच्चे को, जिससे कि बच्चा अच्छे से फ्लोरिश कर पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।